बैक टू माई चैनल। तो मैं अभी एक जगह जा रही हूँ, तो अभी तो रिवील नहीं करूँगी, जाने के बाद मतलब नेक्स्ट स्टेप में पता चलेगा, मतलब स्टेप वाइज पता चलेगा, अभी नहीं बोल रही हूँ। अभी टाइट है, आ गए हैं और दोस्त लोगों को वेट किए हैं, आने के बाद हम अंदर जाएंगे। तो अभी पूजा और आनंद मुझे आए हैं छोड़ने के लिए। और ना ये भी है कि मुझे ना ठंडा हो गया है, फीवर भी था और तबियत ठीक नहीं है, फिर भी और ऐसा जगह जा रही हूँ, बर्फ एक जगह बर्फ नहीं है क्योंकि मैं फ्रेंड्स से लेके गई हूँ। Make it all come true. I'll make it all come true. सिक्योरिटी चेक और चेक इन करके फिर यहाँ पे बोर्डिंग गेट पे चले गए। और पहले तो अनाउंस किए थे कि फर्स्ट नीचे था 3 नंबर गेट में, फिर अनाउंस किए कि 4 नंबर में होगा, तो फिर हम भाग के गए। तो अभी हम लाइन में खड़े हैं, होंगे कि कहाँ जा रही हूँ, गुवाहाटी। उसके बाद भी आगे पीछे जाना है, वो बाद में पता चलेगा। विटामिन डी तो ऑलरेडी यहाँ पे मिल रहा है, देखिए। गुवाहाटी के लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में पहुंच गए और ये देख सकते हैं कितना सुंदर दिख रहा है। और यहाँ पे आसाम कल्चर का भी बहुत सुंदर तरीके से दिखाया गया है। होटल तक 122।
भी 3.5 घंटे हम वही, क्योंकि मैं भी शिलोंग का हूँ ना, वहीं रहता हूँ ना मैं शिलोंग में, तो अपना घर तो सुबह आप लोगों को लेने के लिए मैं वहाँ से, आज मैं कितना बजे 9:30 10 बजे लेकर आया शिलोंग से। यहाँ में कल यहाँ पे कुछ लोकल स्ट्राइक है क्या? यहाँ क्या शिलोंग सारा जगह पूरा ऑल ओवर पूरा एकदम स्टिक किया हुआ है। कल प्लान करेंगे से ना शिलोंग का जितना भी FCI का जो होता है ना सर लोग, उन लोगों के साथ में ड्यूटी कर, आज अगर आप लोग नहीं होते तो मैं वो इंस्पेक्शन के लिए थोड़ा चला जाता है। आपका ये बाउंड्री है, तो ये हम आसाम मेघालय बॉर्डर में जा रहे थे, लगभग 10 से 15 किलोमीटर है, और ये राइट साइड वाला मेघालय है और लेफ्ट साइड वाला आसाम है। और राइट साइड में जो मेघालय है वो वहाँ पे ज़्यादातर ज़्यादा पेट्रोल पंप और वाइन शॉप मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे टैक्स थोड़ा कम होता है। बाहर से आया कंपनी भी, शायद इंडिया का नहीं है, बाहर इंडिया का है या कहाँ का याद नहीं है, लेकिन वो बना रहा है तो वन वे हो गया, वो वन वे हो गया, थोड़ा 20-30 गाड़ी इधर से छोड़ता है, फिर उधर से 20-30 गाड़ी दोनों तरफ से रिलीज करते हैं। 15 ये वन में है, ये डबल वे था ना पहले, आने भी सकता था जाने भी सकता था, ये4 मंथ का टाइम दिया हुआ है अभी, बस करीब 2 हफ्ता हुआ है, 2 वीक्स हुआ है, 4 मंथ डे एंड नाइट काम कर रहा है, काम करने की तो तकलीफ है, इतना ठंडा है। ये अभी हम लोग जा रहे हैं ना, स्टॉप कर रहे हैं, फिर हम लोग उधर स्टॉप कर रहे हैं, फिर हम कर रहे हैं, इतना प्रॉब्लम नहीं है, कभी कभी हाफ एन आवर, कभी कभी 20 मिनट्स, कभी कभी थोड़ा ज़्यादा रस होगा तो 30 मिनट। हम लोग अभी उधर में स्टॉप मॉर्निंग में, इतना मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आज जाते समय में 20 मिनट्स 15 मिनट हो गए जाम में फंसे, अच्छा रहेगा क्योंकि उससे ज़्यादा लेट नहीं है। सुबह यहाँ में सनराइज तो 5:30 बजे हो जाता है, तो आप लोग उठ करके मुँह हाथ नहा धो करके है ना आराम से, अगर खाना वगैरह खाना है और ब्रेकफास्ट करना है यहाँ में मिल जाता, ठीक है। तो आपको तो पता चल गया होगा कि मैं मेघालय आई हूँ और मेरा तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और यहाँ पे ना दिखाती हूँ, रूम हीटर है और यहाँ पे आयरन भी है, हेयर ड्रायर भी है, फैन है, और ये देखिए यहाँ पे कुछ रखने के लिए कुछ जगह नहीं है, ये ही है, और छोटा सा रूम है लेकिन बहुत साफ़ सुथरा है। तो डे वन का मैं डिटेल्स बोल देती हूँ, जैसे कि हम भुवनेश्वर से गुवाहाटी फ्लाइट में आए हैं तो अराउंड 6,000 ऐसे लिया है, और हम 1 मंथ के पहले ही बुकिंग किए थे। उसके बाद कैब में आए हैं, कैब में जो कि हमारा एक्चुअली लगेज बहुत सारा था और 4 पर्सन थे, तो इसलिए हम एक्टिगा बड़ा वाला गाड़ी की है, तो 4,000 हमारा लिया है। तो आपका अगर ज़्यादा लगेज नहीं होगा तो आप छोटा वाला गाड़ी भी कर सकते हैं,
3000 होता है, और उसके बाद भी एसी बस भी है और शेयरिंग वाला फोर व्हीलर भी है, जैसे कि आप अगर दो लोग आ रहे हैं तो आप शेयरिंग से भी आ सकते हैं, वो वाला भी है। हम तो ऑलरेडी फोर थे तो इसीलिए हम एटिगा में आ गए हैं, और यहाँ पे हम होम स्टे में रह रहे हैं, और यहाँ पे है किचन भी है, सब है, रूम हीटर भी ये है जैसे दिखाई थी मैं, और बहुत अच्छा लग रहा है ये। और अभी एक्चुअली खाना आसपास में इतना नहीं पता ना, हम डायरेक्ट यहाँ पे आ गए तो इसीलिए हम खाना जोमेटो में किए हैं। जोमेटो स्विगी भी अवेलेबल है, आप अगर चाहें तो कर सकते हैं अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो हम यहाँ पे KFC है, KFC से हम ऑर्डर किए हैं और अभी बैठे हैं, खाना आएगा, खाना तो आ चुका है, फिर फ्रेश व्रेश होके थोड़ा खा के फिर कल का प्लानिंग करेंगे। तो यहाँ पे एक है हॉट वाटर बैग, और यहाँ पे क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रिक देना पड़ता है तो फिर यहाँ पे अंदर में पानी है ना, तो गर्म होने से यहाँ पे आप ऐसे करके कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। शायद मैं एक दिन पहले आती तो मुझे ठंड नहीं होता तो यहाँ पे है ये किचन, सब है हमारा खाना, फ्रिज, भुट्टे, समझ नहीं।